नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडो 98 में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यामाहा एवरेक्स 155 का स्पेसिफिकेशन, फीचर और प्राइस बताऊंगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, साथ में हमारी वीडियोज भी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिज़ाइन की। तो कंपनी ने इसे मैक्सी डिज़ाइन कहा है, जो कि इसे काफ़ी अलग बनाता है। जितने भी सारी स्कूटी आप देखे होंगे इसके डिज़ाइन के हिसाब से इसका जो डिज़ाइन है वो अलग है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यामाहा ने कहा है कि जो इसका इंजन है वो R115 V4 के बेस पे बनाया गया है। मतलब जो इसका इंजन है वो काफ़ी दमदार है। तो जो इसका इंजन है 155 cc का लिक्विड कूल 4-stroke 2-valve का ये इंजन है, जो 15 PS का मैक्सिमम पावर देता है और 13.9 Nm का मैक्सिमम टॉर्क देता है। तो ये जो इसका इंजन है ये काफ़ी दमदार है, और अगर R15 के बेस पे बनाया गया है तो ये काफ़ी सच में दमदार होने वाला है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके माइलेज की और स्पीड की। तो जो इसका माइलेज है 55 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज देती है, और 120 किलोमीटर पर हार का ये टॉप स्पीड देती है। और यदि इसकी एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 से 15 सेकंड के अंदर 0 से 100 किलोमीटर पर हार का ये एक्सेलरेशन देती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके कंसोल के। तो फुली डिजिटल LCD कंसोल है। स्पीड मीटर आपको डिजिटल मिलता है, टेकोमीटर यहाँ पर डिजिटल मिलता है, ट्रिप मीटर आपको डिजिटल मिलता है, ओडोमीटर भी आपको डिजिटल मिलता है, फ्यूल गॉग भी आपको यहाँ पर डिजिटल मिलता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके बैटरी और लाइट्स के बारे में। तो 12 वोल्ट की इसमें लिथियम आयन की बैटरी लगाई गई है, हेड में LED लाइट लगाई गई है, डे नाइट रनिंग लैंप है वो भी आपका LED में है, टेल में जो लाइट लगी वो LED की लाइट है, और टर्न सिग्नल लैंप लगे हैं, जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है वो आपको भी LED में ही मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके व्हील के, टायर की और ब्रेक के बारे में। तो इसमें ट्यूबलेस टायर का इस्तेमाल किया गया और अलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया, जो कि एल्युमिनियम का बना हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक के बारे में। तो जो फ्रंट में ब्रेक लगाया है वो डिस्क ब्रेक लगाया है, जो रियर में ब्रेक्स लगाए हैं वो ड्रम ब्रेक लगाया है, जो इसका ABS है वो ऑप्शनल है। और लेकिन दोस्तों, यदि इसके लगे हुए सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फॉर्क लगाया गया है और रियर में डबल शॉक अब्जॉर्बर लगाया गया है। दोस्तों, इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें तो इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 5.5 लीटर है, और जो इसका कर्व वेट है 126 kg है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके एडिशनल फीचर के बारे में। तो यहाँ पर पोजिशनल लाइट मिलता है, आयल चेंज ट्रिप मीटर मिलता है, रिप्लेसमेंट ट्रिप मीटर मिलता है, ऑटो स्टॉप ऑन स्टार्ट सिस्टम मिलता है, इसमें स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम लगाया गया है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ पीस में मिल जाता है आपको। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यामाहा एवरेक्स के प्राइस के बारे में। तो जिसकी प्राइस है 1.29 लाख है। दोस्तों, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय बाय। सी या चाओ।